चैप्टर हमारे स्टार्ट हुआ है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ईयर 2017 का क्वेश्चन नंबर 7। ऑन दिसंबर 31, 2016 पेशावर जलमी प्रोवाइडेड दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स डिटेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये रिसिप्ट साइट्स आ गया, ये हमारे पास पेमेंट की साइट आ गई, इसके साथ ये हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकम साइट से। इनकम साइट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसिप्ट साइट से मिलती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखी हुई है 10,000। नीचे हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखी तो और फर्दर कोई इसकी डिटेल नहीं दी हुई, तो 10,000 एज इट इज़ हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। सेकंड हमारे पास दी हुई है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ टिकट 2000। इन तीनों की अमाउंट नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दी हुई थी तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दी है। अब पेमेंट साइट पे आ जाते हैं जहाँ से हमें एक्सपेंसेस की डिटेल मिलेगी। फर्स्ट डिटेल दी हुई है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 900। इसके अंदर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी कोई अमाउंट नहीं दी हुई तो एक्सटेंशन टू बिल्डिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसलिए ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये हम इसके अंदर एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद दी हुई हमारे पास सैलरीज। थर्ड हमारे पास दी हुई है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसकी अमाउंट है 7,000। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास फिक्स एसेट है, वो हम एक्सपेंसेस के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ये भी हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। इसके बाद हमारे पास दी हुई है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमने सारी डिटेल्स पेमेंट साइड से निकाली। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है बिल्डिंग हैज़ अ वैल्यू ऑफ ₹50,000 एंड टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। बिल्डिंग की मतलब वैल्यू है 50,000 लेकिन इसके साथ जो एक्सटेंशन भी है वो भी ऐड होगी 5,000 की। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन शो करवा देते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 50,000 की, इसके अंदर एक्सटेंशन हमने ऐड करी, एक्सटेंशन की अमाउंट है हमारे पास 5,000। टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 55,000। ये आ गई हमारे पास बिल्डिंग की टोटल वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा हमारे पास किस रेट से, 10% से।
जो कि बनेगा हमारे पास 5,500। ये हमारी डेप्रिसिएशन की एक्सपेंस आ गया बिल्डिंग का। से सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेने, देयर वॉज नो बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, इट वॉज वैल्यूड एट ₹5,000। हिंट के अंदर डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय ₹2,000। इन्होंने डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पहले से ही निकाल के दिया हुआ है हमें। नो स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आइटम और ऊपर जो डिटेल दी हुई थी देयर वॉज नो बिगनिंग इन्वेंट्री, ये दोनों आइटम और दोनों इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से ताल्लुक रखती है, तो इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब दोनों साइड के हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे जैसे हम पहले करते थे। 13,600 दोनों साइड का हमारे पास टोटल है, मतलब हाईएस्ट टोटल है 13,600, और जो बैलेंसिंग हमारे पास अमाउंट आ रही है वो आ रही है 900, वो कहलाएगी सरप्लस।